प्रिय दर्शकों, आज हम आपको अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। अमावस्या के दिन स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों का श्राद्ध करने के लिए अत्यंत शुभ दिन होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। आषाढ़ माह की अमावस्या पितरों के तर्पण और पूजा पाठ के साथ ही किसानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण तिथि होती है। आषाढ़ अमावस्या को हलहारनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। किसानों द्वारा मनाए जाने वाले कई त्योहारों में हलहारनी अमावस्या भी एक है। इस दिन किसान अपने खेतों में बैलों से काम नहीं कराते, बल्कि उन्हें घास चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, तथा किसान हल और खेती में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों की पूजा करते हैं। हलहारनी अमावस्या वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है, इसीलिए इस दिन किसान ईश्वर से अच्छी वर्षा, उत्तम फसल और पैदावार की कामना करते हैं। तो आइए हम इस हलहारनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अति दुखी रहते थे। इस दुख के कारण ब्राह्मण ने एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वह वन में चला गया। जंगल में जाकर वह घनघोर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। घनघोर तपस्या के कारण अब उसको वैराग्य सा होने लगा था। उसने सोचा कि अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, देख ब्राह्मण, तुम्हारे सात जन्म में कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें दो कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा एक साल तक करना। ब्राह्मण वन से घर आया तथा अपनी पत्नी को यह सारी कथा कह सुनाई तथा उसे उपवास करने को कहा। अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके दो कन्याएं हुईं। तब उसने भगवान की आज्ञा अनुसार एक का नाम अमावस्या तथा दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वो दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं तथा ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन पूनम भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। भगवान को मानने के कारण भगवान की कृपा से बड़ी के घर में सदा सुख संपत्ति भरी रहती तथा उसके अन्न के भंडार कभी खाली न होते। पर छोटी बहन पूनम के यहाँ दुखों का कोई पार नहीं था। वह सदा दुखी रहती। दरिद्रता ने मानो उसे घेर लिया था। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चला कि उसकी बहन बहुत दुखी है तथा दरिद्रता झेल रही है, तब उसकी बड़ी बहन अमावस्या बहुत सारा खाने पीने का सामान, वस्त्र, आभूषण इत्यादि लेकर अपनी छोटी बहन के यहाँ पहुँची और उससे कहने लगी, हे बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत किया करो तथा उपवास रखो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे तथा तुम्हारे भंडार सदैव भरे रहें। तुम ऐसा करना, एक साल तक दक्षिणा सहित कटोरा भर चावल दान करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपनी बड़ी बहन की बात मानकर पूनम ने ऐसा ही किया। इस प्रकार पूजा और उपवास करने से उसके सारे पाप कट गए और उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अमावस्या की यह व्रत कथा संपूर्ण हुई। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा इसी प्रकार की पौराणिक व्रत कथाओं को सुनने के लिए मंत्र सरोवर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कथा संग्रह प्लेलिस्ट में जाकर सभी व्रत की कथाएं सुन सकते हैं।